लोग को पेड़ से तोड़ा हुआ अमरूद मिल गया, मुंबई में इसे पेरू कहते हैं, इसे हम खा रहे हैं। मेरा दोस्त हंस रहा है, बोले यार सारा कुछ तो रिकॉर्ड कर रहा है, इसे खा रहे हैं, बड़ा ही मजा आ रहा है। और एक दो चीजें आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आप मध्य प्रदेश महाकाल ऐसी जगहों पे आते हो तो आपको ना गांव की फीलिंग आ जाती है। बगल बगल खेतों में हरियाली, गेहूं की खेती, आलू की खेती बहुत तगड़ी हुई पड़ी है यहाँ पे, हुई है काफी चीजों की खेती है, एकदम हरियाली है, बीच में रोड है, बहुत ही मजा आ रहा है। आपको DDLJ की याद आ जाए शायद, तो इस तरह का माहौल हो रखा है। हम भी काफी एंजॉय कर रहे हैं, तो एक बार आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गेहूं की खेती है पूरी तरह से, तो ये आपको रोड के दोनों तरफ मिल जाएगा। काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है मध्य प्रदेश में, ये तो आप सबको पता ही है। पूरी हरियाली हुई है इस तरफ देख लीजिए, और ये रोड जा रहा है बीच में, और इस तरफ भी हरियाली है, तो काफी आनंद आता है देख के मुझे। मैं किसान का बेटा हूँ, किसानी खेती मैंने भी थोड़ी बहुत की हुई है, मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि भी है, फार्मिंग में, फार्मिंग जानता हूँ मैं थोड़ा बहुत, हालांकि मैं पुराने तरीकों का जानता हूँ, अब काफ़ी अपग्रेड हो चुकी है फार्मिंग, जब मैं कर रहा था तो बहुत अलग लेवल का, पुराने पद्धति से होती थी, अब काफ़ी मशीनें आ गई हैं, काफ़ी डेवलप हो चुका है। ये देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा है इस रोड पर चलने में। देखो भैया यहाँ पर थोड़े ग्रोन मतलब बड़े वाले गेहूँ है, तो आपके और हमारे घर में जो गेहूं आता है और हम उसका गेहूं पिसवा के आटा करते हैं और उसकी चपाती या रोटी खाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, मैक्सिमम प्रोड्यूसर सबसे बड़ा देखना पड़ेगा आई थिंक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये तीन स्टेट जो है सबसे ज़्यादा गेहूं प्रोड्यूस करते हैं। और इन टर्म्स ऑफ अगर आप क्षेत्रफल की बात करो, एरिया की बात करो, अगर मैं आपको सही भाषा में समझाऊँ तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती की जाती है। एमपी का गेहूं बहुत फेमस है और एमपी में बहुत बड़े पैमाने पे गेहूं की खेती की जाती है। अगर आप देखे रहोगे आपको पता रहेगा, या आपके घर में जो लेडीज गेहूं खरीदती होंगी या आटा खरीदती होंगी उनको पता होगा, एमपी सीहोर काफी फेमस प्रजाति का एक गेहूं है, और एमपी सीहोर और एमपी सरबती ये दो प्रजाति बहुत फेमस है। ऐसे और भी प्रजातियां, और भी प्रकार के गेहूं यहाँ पाए जाते हैं, बट इनकी चपातियाँ जो होती है, रोटी होती है, बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी फेमस है। एक फेमस ब्रांड है ITC का आशीर्वाद, वो भी कहते हैं हम MP के सीहोर से गेहूं लाते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और बहुत बड़े पैमाने पे गेहूं प्रोड्यूस करते हैं, और अच्छी क्वालिटी के गेहूं MP में होते हैं। इसके लिए मैं आप लोग को दिखा रहा था, अगर आप मेरे पीछे आगे देख पा रहे हो तो पूरी हरियाली, और ये पूरी गेहूँ है। अभी मुझे थोड़ी सी मटर की खेती दिखी थी, आगे कहीं दिखेगी तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा और आपसे शेयर करूँगा। और ये दिख गया, ये जो है मटर है, तो आगे कहीं रुकने का मौका मिलेगा तो ये कवर करेंगे। तो ये शाम ढल रही है इंदौर में, यहाँ ठंड है, तो हम लोग तो मुंबई से हैं, मुंबई में ठंड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ठंड है, अच्छी खासी ठंड है, कुछ फॉग वगैरह तो नहीं है, ठंड डिसेंट है, और शाम ढल रही है, तो लोग देखोगे आप जैकेट स्वेटर डाल के सब मिलेंगे आपको, ठंडी है यहाँ पे अच्छी। अब चूंकि आगे हम ये देखिए हम गाड़ी में है, और ये सिटी इंदौर काफी यार बहुत सही लग रही है, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है बहुत बड़े पॉश एरिया में आ गई। हम लोग आ गए हैं फोनिक सिटाडेल मॉल, हम पास हो रहे हैं, एक्चुअली हम रुकने वाले नहीं है, हमें आगे जाना है, हम जा रहे हैं खंडवा की तरफ। तो ये देखिए ये, और गाड़ियां देखिए भैया, इतना पार्किंग मॉल के अंदर तो होगी, मॉल के बाहर पब्लिक, लोग डर नहीं रहे रोड क्रॉस करने के। अच्छा क्या है बस 5-10 सेकेंड का, और यहाँ पे रोड देखो आप क्लीन इतना है, और ये रात का नजारा हम आप लोग को दिखा रहे हैं, बहुत सही यार, इस तरफ एकदम लग रहा है मतलब इंडिया में नहीं है, सच बताऊं तो वाला फील आ रहा, खाली ये बाइक देख के लग जाता है कि आ गए वापस। डे टू, और आज हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग में आते हैं, और ये खंडवा के पास में है, तो रात को हमें पहुंचना था वहां पे, बट हमने 20 किलोमीटर पहले ही हॉल्ट कर लिया क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, ठंड था और हमें थोड़ा आराम करना था, क्योंकि कल भी रात को हमारा ठीक से नींद नहीं हुआ, हम बैक टू बैक ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो अब चलेंगे हम लोग ओंकारेश्वर का दर्शन करेंगे, और वहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, क्या रास्ते हैं, क्या रूट है, उसके बारे में आपको बताएंगे, और कैसा दर्शन हुआ हमारा, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं होटल से और निकल रहे हैं दर्शन के लिए, टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, देखते कितना टाइम लगता है दर्शन में। सो हम रेडी हैं अपने कार के साथ और निकल रहे हैं, चेकआउट कर लिया है, बहुत साथ दिया है गाड़ी ने, साथ देना ही है, प्यार भी करता हूँ।
निकलते हैं अभी और आगे की यात्रा के बारे में आपको बताते हैं। जय श्री ओंकारेश्वर, हर हर महादेव, शंभो शंभो। हरियाली हरियाली है, गर्मी में मस्त मजा है। अगर आप बाई रोड आ रहे हो तो बहुत सारा आप एंजॉय करने वाले हो यहाँ पे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो ट्रेन से भी आ सकते हो, बट बाई रोड अगर आप आ रहे हो तो काफी कुछ चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ये यहाँ पे बस स्टैंड है, अगर आप बस से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको बस छोड़ देगी और यहाँ से आपको देख लीजिए कहाँ पे सारी बसें रुकी हुई है। यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो आप चल के जा सकते हो। बाकी यहाँ पे ऑटोज वगैरह भी मिल जाते हैं, ये देखिए, जो आपको मंदिर तक लेके जाएंगे और ये रास्ता सीधा जाता है मंदिर के लिए। तो हमें भी नहीं पता था, हमने यहाँ पे पूछा मैप, हमें यहाँ तक लेके आया और हमने फिर यहाँ से पूछा। और ये आगे नाग गणपति और ओंकारेश्वर मंदिर आगे इसी रोड पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से देखिए राज्य पर्यटन विकास निगम, हमने प्रसाद ले लिया है यहाँ पे, इस तरह का कुछ सेटअप है यहाँ, प्रसाद ले लिया है। अब जा रहे हैं दर्शन के लिए ओंकारेश्वर, और यहाँ पे 4 अलग अलग जगह दर्शन करने होते हैं, तो हमने बोट यहाँ से बुक किया हुआ है। कहाँ कहाँ दर्शन करेंगे, कैसे करने वाले हैं, वो पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। यहाँ से हमने जो बोट की हुई है, यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ से नर्मदा नदी दिख रही है आपको। ये भैया हमें लेके जा रहे हैं बोट में, 4 जगह दर्शन कराने की बात हुई है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ओंकारेश्वर आ रहे हो, अभी तो बोटिंग का एक्सपीरियंस क्या होगा वो आपको बताएंगे, शायद बोट कर लेना चाहिए, आपको सारी जगह के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए नर्मदे यहाँ पर दिख रही हैं, माँ नर्मदा का दर्शन हुआ। आवाज़ें आपको आ रही है, सारे आप बोट कर रहे हैं, बोटिंग यहाँ पे होती है। पत्थर बहुत है यहाँ पे और मध्य प्रदेश के लाल पत्थर आपको मिल जाएंगे। अगर आप कहीं पे मंदिर स्थापना करवाना चाहते हैं, मूर्तियाँ वगैरह ले जाना चाहती हैं यहाँ पे, तो यहाँ वो तराशी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं। राजा मान का किला है, राजा मान की नगरी है ये ओंकारेश्वर, और राजा मान की तपस्या से प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न होकर यहाँ पे ओंकारेश्वर में प्रकट हुए थे। ये देख लीजिए काफी बढ़िया दृश्य है यहाँ पे। सामने कौन सा मंदिर है भैया? यही सामने मंदिर है, जैसे राजा मान दादा ने तपस्या की थी उसमें विराजमान हुए थे, और 12 ज्योतिर्लिंग में नाम ममलेश्वर का आता है, दोनों मिला के 1 ज्योतिर्लिंग होता है। अच्छा, ममलेश्वर। अगर आप पैदल दर्शन करने के लिए जाओगे तो इस तरफ आना पड़ता है, सामने ये ब्रिज दिख रहा है, यहाँ से आप जा सकते हो। बहुत ज़्यादा है, थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, आप प्लीज करो।